सो यार, वन प्लस नोट इंडिया का सबसे बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा और सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला स्मार्टफोन भी रहा। तो इसी का ही सक्सेसर वन प्लस नोट सी 5G इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, जिसकी वन प्लस ने बेस वेरिएंट की प्राइस 23,000 रखी है। वहीं अगर आप HDFC का कार्ड यूज़ कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको इसकी इफेक्टिव प्राइस 22,000 रुपये देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो शुरुआत करें इसके डिस्प्ले से, तो इसके अंदर आपको 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में आपको गेमिंग पर्पज़ के लिए 90Hz डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया गया है। वही इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करें इसके बिल्ड से, तो इसके आपको बैक के अंदर आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, वहीं आपको फ्रेम भी प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा। साथ में रियर के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। पावर के लिए यार, इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का सपोर्ट दिया गया है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। साथ में आप इसके अंदर काफ़ी कमाल के गेमिंग भी कर सकते हो, और ये आपको 8nm की टेक्नोलॉजी पर बिल्ड होने की वजह से काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी बन जाता है। वहीं ये प्रोसेसर डुअल 5G बैंड को तो सपोर्ट करता ही करता है। सो बात करें इसकी कैमरे की, तो फ्रंट के अंदर आपको 13MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो कि EIS के साथ आती है। वहीं रियर के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर जो कि EIS के साथ आता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और फ्रंट और रियर से आप दोनों से ही 4K वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो बात करें यार इसके बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 30W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ में इसके अंदर आपको सुपर एमुलेट और 8nm वाला प्रोसेसर होने की वजह से काफ़ी अच्छी पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका बैटरी बैकअप काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। वहीं यार इसका सबसे बड़ा और हाईलाइटिंग फीचर ऑक्सीजन OS 11, जो कि इसके अंदर आपको फुल वर्जन के साथ देखने को मिलेगा, और साथ में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको 3.5mm जैक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, कैमरा के अंदर EIS का सपोर्ट, और यार वन प्लस की तरफ से एक काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। और कई सारे लोग सिर्फ स्मार्टफोन वन प्लस का इसलिए खरीदते हैं कि यार उनको ऑक्सीजन OS काफ़ी कमाल का लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।